अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर गुलाम रजा। फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी फॉर क्लास 9 and 11। टुडे आवर सब्जेक्ट इज दैट केमिस्ट्री। द टॉपिक ऑन विच टुडे विल डिस्कस दैट इज जनरल गैस इक्वेशन। दिस टॉपिक बिलोंग्स टू द चैप्टर नंबर 2 ऑफ द क्लास 11 ऑफ द सिंटेक्स बोर्ड ऑफ द केमिस्ट्री, व्हिच नेम इज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑन दिस चैप्टर दिस इज अवर फिफ्थ लेक्चर। इफ यू वांट टू सी अवर प्रीवियस लेक्चर्स ऑन दिस चैप्टर एंड इफ यू वांट टू सी our next lectures on your own choice, then please subscribe to my channel and press button of bell icon for latest update. Thanks so much. जी फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि हमें पढ़ना है आज जनरल गैस इक्वेशन, तो हमें जनरल गैस या आइडियल गैस की इक्वेशन बनाना सीखनी है। तो उससे पहले हमें जो हमने तीन लॉज पढ़े हैं, पहला हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ, उसके बाद चार्ल्स लॉ पढ़ा था, उसके बाद हमने एवोगाड्रोस लॉ पढ़ा, ठीक है, तो वो हमें रिवाइंड करने होंगे। ठीक है, उससे पहले हमें ये तीनों लॉ रिवाइंड करने होंगे। तो सबसे पहले हमारे लॉ था बॉयल्स लॉ, किसके बारे में था, किसके लिए था, गैस लॉ के, गैस के बारे में। ठीक है, वो क्या कहता है कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, प्रेशर के, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा प्रेशर जो है वो बढ़ेगा तो हमारा वॉल्यूम जो है वो कम होगा। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम था, मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम होता है एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है, और लेकिन ये जो हमारा प्रेशर होता है जो हमारा प्रोपोर्शन के साइन के राइट साइड पे होता है वो हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो हमारा वॉल्यूम होता है वो खुद ब खुद बढ़ जाएगा, गैस अपना वॉल्यूम खुद ब खुद चेंज करेगी। ठीक है, पहला हमने ये पढ़ा था लो, उसके बाद हमने पढ़ा था चार्ल्स लो के एट कॉन्स्टेंट प्रेशर जो हमारा वॉल्यूम होता है, अगर हम वॉल्यूम कम बढ़ाएंगे तो हमारा टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वॉल्यूम जो है लेफ्ट साइड पे प्रोपोर्शन के वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, वो है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को रेज करेंगे तो हमारा वॉल्यूम जो है वो गैस का रेज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा सेकेंड लॉ भी। उसके बाद हमारा थर्ड लॉ था आज हमने पढ़ा जो, ठीक है, वो था वॉल्यूम जो होता है किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा खुद ही। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तीनों लॉज हमने रिवाइंड भी कर लिए यहाँ पे जल्दी से। अब यहाँ पे इन तीनों लॉज को जो है हम कंबाइन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमें जनरल गैस इक्वेशन बनानी है तो हम इन तीनों लॉज को कंबाइन करेंगे। किस तरह से हमने किया कंबाइन, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इस तरह से हमने कंबाइन किया इन तीनों लॉज को। उसके बाद अगर हम प्रोपोर्शन की साइन हटाते हैं तो आ जाता है कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वी इज इक्वल टू आर वन अपॉन टी इंटू टी इंटू एन। अब यहाँ पे वन है, वन के साथ मल्टीप्लाई होगा टी और एन, तो यहाँ पे क्या होगा, वी इज इक्वल टू आर टी इंटू एन अपॉन टी। इस तरह से हमारी इक्वेशन बन गई। उसके बाद यहाँ पे हम, यहाँ पे जो आर है वो कांस्टेंट तो है लेकिन क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। इसकी भी हम वैल्यूज़ निकालेंगे अगले टॉपिक में, हम यही पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ तक हमने जो किया, आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, थैंक सो मच, कोई भी सवाल। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ तक क्या हुआ, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, इन तीनों लॉज को लिखा, फिर उनको कंबाइन किया, उसके बाद प्रोपोर्शन की साइन हटाई, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करा दिया वन के साथ टी और एन को, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे क्या होता है। जी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या करेंगे आगे जाके कि ये जो हमारा पी है, प्रेशर है, ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से ये पी मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, वॉल्यूम के साथ, प्रेशर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू बनेगी पी वी इज इक्वल टू एन आर और टी। ठीक है, टी फॉर टेम्परेचर, एन फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मैंने आपको अभी बताया है, और एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है फ्रेंड्स, और पी वी प्रेशर वॉल्यूम। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ये बनाते हैं हम इक्वेशन। जी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैंने यहाँ बनाया पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, नंबर ऑफ मोल्स, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम इज इक्वल टू। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ मोल्स वन लें, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू वन लिखें तो वन आर टी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आर टी हो जाएगा। ठीक है, पी वी इज इक्वल टू आर टी, ये हमारी इक्वेशन बन गई। हमारी जो हमने जो हमारी नाइन तक पढ़ी है गैस इक्वेशन, यहाँ तक पढ़ी है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, लेकिन
यहाँ पे हम कुछ इसको एक्सटेंड करेंगे, कुछ आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। दोनों मतलब कि हमारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इस फॉर्मूले से भी सॉल्व होते हैं, लेकिन जो हम एक्सटेंड करेंगे इस इक्वेशन को उसके साथ ज़्यादा हमारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होते हैं, वो भी हमारी गेस इक्वेशन होती है, लेकिन ज़्यादातर हम ये यूज़ करते हैं 9th तक, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हमने क्या सपोज किया कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं एन इज इक्वल टू 1 मोल रखते हैं, ठीक है। तो आर टी बन गया पी वी इज इक्वल टू आर टी। अब यहाँ पे हमने कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे पी क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू आर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 बन गई, ठीक है। एक 4 इक्वेशन बन गई। अब अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाएं, क्योंकि हमने पढ़ा था पिछले सारे लॉज में कि टेम्परेचर जो है वो अगर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, यहाँ प्रेशर जो है वो अगर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो वॉल्यूम गैस अपना जो वॉल्यूम है वो खुद चेंज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर को T1 लिखें और प्रेशर को P1 बढ़ाएं, ठीक है, तो वॉल्यूम जो होता है देन वॉल्यूम V1 बन जाएगा, ठीक है। वो खुद ही गैस अपना वॉल्यूम चेंज करेगी, तो किस तरह से लिखेंगे हम, T1 V1 upon T1 इज इक्वल टू R, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 5 बन गई। अगर हम और ज़्यादा बढ़ाएं टेम्परेचर और प्रेशर को, तो वॉल्यूम और भी ज़्यादा बढ़ेगा, अपना गैस जो है वो अपना वॉल्यूम और भी ज़्यादा बढ़ाएगी, तो किस तरह से वो होगा। अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो T2 है, अगर प्रेशर जो है वो P2 है, तो हमारा जो वॉल्यूम होगा वो V2 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे उसको किस तरह से लिखेंगे कि P2 V2 upon T2 प्रेशर 2 वॉल्यूम 2 और टेम्परेचर 2 इज इक्वल टू R, ये भी कॉन्स्टेंट के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को 5 और 6 को कंपेयर करें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा P1 V1 upon T1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे राइट साइड जो है वो इक्वल है, तो इक्वल हम कंपेयरिंग में नहीं लिखते, वो कट हो जाती है, ठीक है। तो किस तरह से लिखेंगे, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, R इक्वल टू R, ठीक है। तो वो किस तरह से लिखेंगे, P1 V1 upon T1, ये हमारी लेफ्ट साइड हो गई, और उसके बाद राइट साइड क्या होगी, P2 V2 upon T2, ये हमारी आइडियल गैस या जनरल गैस इक्वेशन हमारी बन जाती है। यहाँ तक हमारा इक्वेशन बन जाती है जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है। उम्मीद है आपको आज हमारा लेक्चर पसंद आ गया होगा और समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।